वेलकम। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का क्लास 10th का सेकंड पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 10th का बहुत सारा व्यूज़ ही नहीं आते, तो फिर बनाने में मज़ा क्या। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप, अगर चैनल अच्छा लगे और या फिर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो को। तो शुरू करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। जो पोयम है वो लिखे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये तो आपको याद करना ही होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे थे, ठीक है। तो इसमें दो पैराग्राफ है, धीरे धीरे सबको कवर करते हैं और समझते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो पोयम में आखिर लिखा क्या है, ठीक है। पहले इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आप भूल जाओ कि हम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले हैं। बस आप ये एक बार सोच कर देखो कि कोई बिल्ली ऐसे अगर रास्ता काट देती है तो हम लोग सोचते हैं कि काम अच्छा होगा कि नहीं, या फिर कुछ बुरा तो नहीं होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं सोसाइटी में। तो इस पोयम में दो चीज़ की बात की गई है। सबसे पहला तो एक हेमलॉक ट्री एक ट्री होता है, मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा, और हेमलॉक ट्री ऐसा होता है, और फिर उसके बाद क्रो, हेमलॉक ट्री और क्रो दो चीज़ की बात की गई है। तो इस दो चीज़ की बात क्यों की गई है, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो होता है उसको शुभ नहीं माना जाता है, शुभ माना जाता है, और क्रो को भी अशुभ माना जाता है, या फिर उसको माना जाता है कि एक सिंबल ऑफ डेथ है, और हेमलॉक ट्री को भी अशुभ ही माना जाता है, क्योंकि हेमलॉक ट्री एक तरह का पॉइजनस ट्री होता है जिसमें सफ़ेद कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो इन दोनों चीज़ को भी, जैसे इंडिया में बिल्ली रास्ता काट देती है तो बुरा माना जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में हेमलॉक ट्री को बुरा माना जाता है, और क्रो को तो इंडिया में भी बुरा माना जाता है। तो ये दो चीज़ को बात किया गया है इस पोयम में। तो इसी चीज़ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोसाइटी में ख़त्म करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हेमलॉक ट्री ऐसा मतलब अशुभ होता है, चाहे क्रो अशुभ होता है, और चाहे कैट अशुभ होती है जब वो रास्ता काट देती है। तो यही चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं इस पोयम में, वो यही समझाना चाह रहे हैं। तो पोयम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, इसका एक सीनरी है, ठीक है, सीनरी है, ऐसा हम लोग अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। इसमें पूरा डिटेल में नहीं बताया गया है, पर ऐसा सीनरी हम अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। सीनरी क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं, और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा है कि खड़ा है वो हमें नहीं पता, बस हम ऐसा गेस कर रहे हैं। तो इस पहला स्टैंजा का क्या मतलब है, द वे ऑफ अ क्रो शूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, मतलब एक क्रो ऐसा हम गैस कर रहे हैं कि एक कोई क्रो बैठा होगा हेमलॉक ट्री के ऊपर, उसके मूवमेंट से, उसके फेदर के मूवमेंट से, या फिर वो कुछ किया होगा क्रो, जिसकी वजह से जो स्नो है वो गिर गया होगा पॉइंट के ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। तो यही लिखते हैं कि द वे ऑफ अ क्रो, मतलब क्रो के किसी काम की वजह से। डिटेल में नहीं बताया गया कि क्रो क्या कर रहा था, पर हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि क्रो जो है वो क्रो के किसी मूवमेंट के कारण जो स्नो है वो पॉइंट के ऊपर गिर गया, या तो क्रो उड़ रहा होगा, या फिर क्रो उड़ने की तैयारी में होगा, या फिर अपने विंग फैला रहा होगा, या फिर क्रो उड़ते हुए जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। बट इस लाइन का मतलब क्या है, द वे ऑफ अ क्रो मतलब एक क्रो है जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, एक क्रो है शूक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर गिराया, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं कि शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो मतलब थोड़ा सा स्नो का टुकड़ा मेरे ऊपर गिराया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी ऐसा डर सकते थे कि एक तो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हूँ और ऊपर से क्रो मेरे ऊपर ये गिरा रहा है, दोनों अशुभ होता है, पर वैसा नहीं किए, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और इस पोयम को ऐसे वो हमें यही बताना चाह रहे हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, स्नो मतलब तो पता है, लेकिन इसमें जो डस्ट है इसका मतलब धूल या मिट्टी ये नहीं होता है। डस्ट मतलब किस चीज़ को पोर करना, किस चीज़ को गिराना, तो सोसाइटी से इस चीज़ को वो हटाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं इस चीज़ को, कि ये सब भी अशुभ होता है, चीज़ को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं। तो पहले स्टैंजा का मतलब यही हुआ कि एक क्रो जो आया, उस क्रो कुछ मूवमेंट किया या फिर कुछ किया क्रो, जिसकी वजह से हेमलॉक ट्री के नीचे जो पॉइंट बैठे थे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो का थोड़ा सा पीस या फिर स्नो गिर गया थोड़ा सा,
वे ऑफ अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, एक क्रो आया और वो मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। सेकंड पैरा में देखते हैं, सेकंड पैरा में क्या लिखा है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि हैड गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब कि जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे पॉइंट, तो उनका जो मूड था वो क्या था, उदास था, वो पहले से उदास बैठे थे। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि वो पहले से उदास बैठे थे, लेकिन क्या हुआ जब क्रोग स्नो गिराया उनके ऊपर, तो वो क्या लिखते हैं, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ अ मूड, मतलब उनका जो दिल था, उनका जो मूड था वो बदल गया, मतलब हैप्पी हो गया किसी चीज़ के कारण, उनका जो मूड है वो हैप्पी हो गया। मतलब क्रो कुछ गिराया तो वो बुरा भी मान सकते थे या फिर डर भी सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ, उनका मूड जो हुआ, उनका जो हर्ट है वो और हैप्पी हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और थोड़ा सा पार्ट, मतलब आधा दिन तो उनका सैड में ही निकल गया, लेकिन आधा दिन जो बचा हुआ था वो उनका दिन अच्छा हो गया। आई सेव्ड सम पार्ट, मतलब थोड़ा सा पार्ट ऑफ अ डे, थोड़ा सा पार्ट एक दिन का जो बचा हुआ था, जो मैं जो वो सैड में बिता रहे थे, तो थोड़ा सा दिन ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम बचा था, वो टाइम को उन्होंने सेव कर लिया, उनका सेव हो गया, क्योंकि उनका मूड चेंज हो गया। मूड कैसे चेंज हो गया, एक क्रो आया, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा, कुछ मूवमेंट किया, स्नो गिरा, जिसके कारण पॉइंट का मूड जो है वो चेंज हो गया, और वो सुबह सुदास बैठे थे, तो बाकी का जो टाइम बचा था दिन का, तो वो उसे अच्छे से बिताया, उनका आधा दिन अच्छा गया। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि एज अ आदमी अज्यूम करता है, और ये गलत बात है, ऐसा ऐसा नहीं होता है कि बिल्ली रास्ता काटने से अजूब होता है, फिर किसी भी चीज़ से, या फिर हेमलॉक ट्री को या फिर क्रो को भी अशुभ नहीं माना जाना चाहिए। ये जो पॉइंट हैं वो अपने पोएम के थ्रू बता रहे हैं। इसका ग्लॉसरी देख लेते हैं। हेमलॉक में जैसा कि मैंने बताया, पॉइजनस ट्री, अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और र्यूड, र्यूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट। तो सुबह से वो इसी बात का रिग्रेट, किसी बात का रिग्रेट कर रहे होंगे, सैड होंगे, तो और किसी बात से वो सैड थे, लेकिन जैसे ही वो क्रो गिराया स्नो, उनका मूड बदल गया, और वो क्या हुआ, जितना भी टाइम बचा था उस दिन का, वो टाइम उनका अच्छा बीत गया। यही है इस चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो का समरीज, डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन। तो अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, मैं नहीं बोल रहा डायरेक्ट सब्सक्राइब करो, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ इसका अगला चैप्टर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी चैप्टर आना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।